शारदीय नवरात्र पर महानगर में जगह जगह दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ऐसा माना जाता है कि कोलकाता के बाद गोरखपुर में ही सबसे अधिक दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। कोरोना के प्रभाव के कारण प्रतिमाओं की साइज को छोटा कर दिया गया है और पंडाल भी छोटे बनाए गए हैं, लेकिन माँ भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दुर्गा पंडालों पर काफी भीड़ नजर आ रही है, जिसको लेकर गोरखपुर न्यूज की रिपोर्टर पूजा वर्मा और वीडियो रिपोर्टर पंकज विश्वकर्मा ने धर्मशाला स्थित दुर्गा पंडाल पर पहुंचकर श्रद्धालुओं से बात की और लोगों से पूजा और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी हासिल की। पेश है दुर्गा पूजा पर महानगर में जगह जगह पर स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं में से एक धर्मशाला बाजार की दुर्गा प्रतिमा पंडाल से हमारे संवाददाता पूजा वर्मा सहित वीडियो रिपोर्टर पंकज विश्वकर्मा की विशेष रिपोर्ट। दुर्गा अष्टमी, हर साल हम माँ दुर्गा को पूजते हैं, ये बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ की पूजा आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस समय मैं गोरखपुर के धर्मशाला बाजार इलाके में हूँ। यहाँ पर माँ दुर्गा की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बनी हुई है, तो आइए हम आपको लेकर चलते और दिखाते हैं, माँ की प्रतिमा के दर्शन कराते हैं सबसे पहले, और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे आपकी बात कराते हैं। तो आप, ये प्रतिमा कितने सालों से यहाँ पर स्थापित की जा रही है? प्रतिमा सर 1972 से रखी जा रही है, और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं श्री सतीश यादव जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। पिछले दो सालों से हम माँ की आराधना नहीं कर पा रहे थे, तो इस साल किया गया था, मतलब भक्तों की भीड़ नहीं हो रही होगी कोरोना की वजह से, कोविड को देखते हुए 2020 में माँ की प्रतिमा माँ सामने मंदिर में रख दिया गया था, क्या वो परंपरा हम लोग को तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस साल क्या कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस समय यहाँ पर कुछ, मतलब अब इंतजाम कुछ नहीं किया गया, जैसे हर साल मास्क या मतलब या लोगों को दो गज की दूरी जैसे बताया जाता है, तो ऐसा कुछ सैनिटाइजर ऐसा कुछ इंतजाम यहाँ पे इस साल नहीं किया गया है? नहीं, इसके बारे में किया गया था, जो कि हम लोग को वहाँ पे जो गाइडलाइन हुआ था जारी हुआ था किया गया था, लेकिन हम लोग को बिजली वाले बहुत इतना दौड़ा दिए थे कि परमिशन नहीं मिला था। हम लोग परमिशन के चक्कर में जब ये बहुत आज जाकर हम लोग को बिजली का परमिशन मिला है, सिटी मजिस्ट्रेट का कल कागज आया था परमिशन मिला, उसमें हम लोग व्यस्त हो गए, ये कि मास्क वर्क कल आ जाएंगे और सैनिटाइजर भी हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा सब, उसकी सारी व्यवस्था है, अब आज हो गई है सर। चलिए इसमें अब यहाँ पे और लोगों से बातें करते हैं। ये भी कहना चाहता हूँ इस वर्ष माँ की प्रतिमा 50वां साल भी है। अच्छा, माँ इस स्थापना का 50वां साल, 50 साल पूरा हो गया माँ की। और लोगों को हम बातें करते हैं, यहाँ पे दर्शन करने श्रद्धालु जो आए उनसे हम बात करते हैं कि वहाँ यहाँ पे आके उन्हें कैसा लग रहा है। आप यहाँ पे दर्शन करने माँ के आए हैं? नहीं, हम यहाँ के हैं। तो आप यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? इस साल प्रतिमा बैठी है, काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप दर्शन करने के लिए माँ के आए हैं? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि मैं 2 साल से लॉकडाउन के कारण कहीं भी मूर्तियां नहीं बैठ पा रही थी, तो इसमें लोगों को थोड़ा सा समस्या हो रहा था, लेकिन इस बार जैसा कि गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर